Hello students and warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. In this section, we will again learn the sexual reproduction in flowering plants. Students, आज हम sexual reproduction in flowering plants का main part हम discuss करेंगे that we call the female reproductive part is the gynoecium. तो आज हम जो gynoecium के बारे में study करेंगे. वीडियो start करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. आज का ये जो वीडियो है स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो आई नीड योर फुली कोऑपरेशन स्टूडेंट्स. आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए जो है एक एनर्जी का काम करते हैं. सो आई हैव टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और इसे शेयर करिए एंड इवन कमेंट्स करिए. सो लेट्स स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम. गाइनोसियम 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 इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. गाइनो indicates for female and siam means bearing. siam means bearing. कहने का मीन्स है कि गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर किए हुए है. अब यहाँ से गाइनोसियम ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल. गाइनोसियम को पिस्टिल भी कहते हैं. तो कंप्लीट गाइनोसियम का फॉर्मेशन एक या एक से अधिक कार्पेल के एसोसिएशन से होता है. एक या एक से अधिक कार्पेल के एसोसिएशन से होता है. जब देखिए यहाँ से मैं कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करूँगा. सो लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से. मैंने बताया कि गाइनोसियम जो फॉर्मेशन है वो एक या एक से अधिक कार्पेल के एसोसिएशन से होता है. जब कार्पेल एक नंबर, कहने का मीन जब कार्पेल एक होगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी. जब कार्पेल एक या एक से अधिक होंगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी. जब कार्पेल एक या एक से अधिक होंगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे multicarpellary. Students, I also use some biological terms here. Let's familiarize here some diagrams here. Students, ये complete diagram जो है ये poppy का है. Its scientific name is Papaver somniferum, that in Hindi language called post. तो ये कंप्लीट गाइनोसियम जो है ये पापावर सोमनीफेरम का है, जिसे हम हिंदी में पोस्त कहते हैं. तो अब यहाँ से हम ये कंप्लीट गाइनोसियम देख रहे हैं पोस्त का. तो इसमें सारी कार्पेल्स क्या हैं, एक दूसरे में कंप्लीट फ्यूज्ड हैं. जब सारी कार्पेल्स एक दूसरे में कंप्लीट फ्यूज्ड होती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं syncarpous. When all carpels are fused, this condition is known as syncarpous. कार्पस. जब सारी कार्पल्स एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे syncarpous. नाउ मूव हियर, लुक एट द डायग्राम हियर अगेन. ये मार्केलिया का कंप्लीट डायग्राम है. तो मार्केलिया में सारी कार्पल्स जो हैं एक दूसरे से कंप्लीट फ्री हैं. जब सारी कार्पल्स एक दूसरे में कंप्लीट फ्री होंगी, सेपरेट है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे apocarpous. दैट वी कॉल apocarpous. apocarpous. तो apocarpous कब बोलेंगे, जब सारी कार्पल जो है एक दूसरे से फ्री होंगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे apocarpous. तो ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स थे, इन पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एग्जाम्स में ये पुटा होते हैं कि ये syncarpous क्या होगा और apocarpous क्या होगा. तो ये मैंने बताया कि कंप्लीट गाइनोसियम जो है ये पॉपी का है. तो जब पॉपी में सारी कार्पल्स एक दूसरे में कंप्लीट फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे syncarpous. जब सारी कार्पल्स एक दूसरे से कंप्लीट फ्री हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे apocarpous. नाउ अब यहाँ से हम कंप्लीट डायग्राम देखेंगे, द कंप्लीट डायग्राम ऑफ पिस्टिल तो यहाँ कंप्लीट डायग्राम हम पिस्टिल का देखेंगे, हिबिस्कस, रोसा, साइनेंसिस का। लेट अस ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस, रोसा, साइनेंसिस। ये हिबिस्कस, रोसा, साइनेंसिस का कंप्लीट पिस्टिल है। पिस्टिल फॉर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द बल्ज पार्ट, ये बल्ज पार्ट है, एंड बाजल पार्ट इज कॉल्ड थैलमस। अब ये इन ओवरी कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ओव्यूल्स। ओवी के अंदर एक या एक से अधिक छोटे छोटे गोलाकार ओव्यूल्स का फॉर्मेशन है, और ये ओव्यूल जो है ओवरी की वॉल से कंप्लीट एसोसिएटेड है। लेट अस लेबल द फर्स्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट स्टाइल, स्टाइल, and third one bulge part called ovary, ovary। All 3 parts combined name pistil, pistil। ये तीनों पार्ट एक साथ में एसोसिएट होके कंप्लीट पिस्टिल को बनाते हैं, तो ये पिस्टिल है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब हम यहाँ पे हम एक एक सारे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टिग्मा, तो स्टिग्मा जो है एक टाइप का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये स्टिकी पार्ट है। अब यहाँ से आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कहने का मीन्स है कि पॉलिनेशन के प्रोसीजर में जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होके सीधे स्टिग्मा पर आके वो लैंड हो रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन्स ये एंथर से ट्रांसफर होके सीधे स्टिग्मा पर लैंड हो रहे हैं, तो स्टिग्मा जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। देन इसके बीनीत नीचे देख रहे हैं एक होलो लाइक स्लेंडर लॉन्ग ट्यूब आ रही है, जिसे स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल जो है ये एसोसिएटेड है बल्ज पार्ट ओवरी से, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे गोलाकार ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स एक या एक से अधिक हैं, सारे कंप्लीट जो है इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो अब ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर लोकेटेड है, तो ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ओवरी में ओव्यूल एक बनेगा, जब ओव्यूल ओवरी में एक बनेगा, तो एग्जांपल्स कहने का मीन्स है कि उसमें केवल एक सीड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल व्हीट, पैडी एंड मैंगो। तो ओवरी में जब एक ओव्यूल होगा तो उसका मीन्स है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ओवरी में चेंजेस होंगे, तो चेंजेस होने के बाद में जो ओवरी होगी कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने के बाद में ये फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद में ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने बताया कि जब ओवरी में एक ओव्यूल होगा, तो ये एक ओव्यूल किस में प्रेजेंट है? मैंने बताया कि आपको मैंगो में है, पैडी में है एंड व्हीट में, यानी कि गेहूं है, धान है और आम में एक ओव्यूल्स है। अब इसके बाद में जब ओव्यूल एक या एक से अधिक होंगे, तो उसमें सीड भी बहुत ढेर सारे बनेंगे। तो अब इसमें से एग्जाम्पल जैसे हो गए ऑर्किड हो गया, पपाया हो गया, और ये सभी चीज़ों में जो है ये ओव्यूल जो होंगे ये ज़्यादा होंगे। मैंने बताया कि ऑर्किड है, पपाया है और वाटरमेलन है, तो इनमें जो है ओव्यूल एक या एक से अधिक होंगे। अब यहाँ से हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओव्यूल का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर हो रहा है, तो ओव्यूल जो है एक छोटे छोटे गोलाकार रचनाएं होती हैं, जिनका फॉर्मेशन जो है ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी जो होती है ये, दिस डायग्राम इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये कंप्लीट डायग्राम जो है ओवरी का है। तो ओवरी जो होती है एक बल्ज पार्ट है, तो ओवरी की जो वॉल है, तो इसके ओवरी की वॉल का फॉर्मेशन देखिए, ये ओवेरियन वॉल है, ओवेरियन वॉल, ओवेरियन वॉल ऑल्सो कॉल्ड लॉक्यूल्स, और ये लॉक्यूल्स पूरा मिलके प्लासेंटा को बना रहे हैं, प्लासेंटा को बना रहे हैं। तो ये कहने का मीन्स है ओव्यूल का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर हो रहा है, एक या एक से अधिक हो रहा है। तो सारे ओव्यूल जो है ओवरी की वॉल से, ओवरी की वॉल में जो ओवेरियन कैविटी है, लॉक्यूल्स है, और वो प्लासेंटा के साथ में अटैचमेंट है। तो जहाँ से ये कंप्लीट ओव्यूल अटैचमेंट करेगा, कंपीट अटैचमेंट करेगा एक स्टार्क के थ्रू। तो ये डायग्राम, लुक एट द डायग्राम हेयर, ये कंप्लीट ओव्यूल है। तो ये जो है एपेक्स पार्ट देखिए नीचे से, तो ये जो प्लासेंटा है, इसी प्लासेंटा के साथ में प्लासेंटा, तो प्लासेंटा के साथ में एसोसिएटेड है। तो प्रत्येक ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर बन रहा है और ओवेरियन की जो वॉल है लॉक्यूल्स और प्लासेंटा के साथ में ये अटैचमेंट कर रहा है। तो जिस स्टॉक के साथ में ये अटैचमेंट करेगा उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिकुलस। तो अब ये जिस स्टार्क के साथ में दोनों का एसोसिएशन हुआ, दैट मीन प्लासेंटा एक प्लासेंटा और ये जो ओवियर की जो स्टार्क था जहाँ से ये एसोसिएशन कर रहा था, जहाँ से जुड़ रहा था, तो उसे बोलेंगे हाइलम। हाइलम, मैं अगेन इसको रिपीट करूँगा कि मैंने बताया कि प्रत्येक ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर एक स्टार्क के साथ में जुड़ा होता है, जहाँ से स्टार्क से जुड़ेगा तो उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल जिस स्टार्क के साथ में जुड़ रहा है, द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द स्टार्क इज नोन एज द हाइलम। तो हाइलम क्या है? एक जंक्शन है। तो जहाँ पर ये फ्यूनिकल और जिस स्टार्क के साथ में एसोसिएट करेगा उसे हम हाइलम कहेंगे। अब यहाँ से कंप्लीट ओव्यूल जो है चारों तरफ से, कंप्लीट ओव्यूल जो है चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व से कवर्ड है। तो ये इन्वॉल्व जो होंगे एक या दो हो सकते हैं, एक या दो हो सकते हैं। कंप्लीट ओव्यूल जो होता है अपनी चारों तरफ से एक या दो एक प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व बना रहा है। तो ये जो इसका इन्वॉल्व होगा उसे इंटेग्यूमेंट्स कहेंगे, दैट वी कॉल इंटेग्यूमेंट्स। देखिए ये जो इसका यहाँ से देखिए ओव्यूल एपेक्स पार्ट से, सॉरी यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, इसका प्रोटेक्टिव कोट, तो प्रोटेक्टिव कोट देखिए जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट्स को बनाना स्टार्ट कर रहा है और सीधे आने के बाद में ये चारों तरफ से ये कवर्ड हो जाता है। तो जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा ये पार्ट कहलाता है चलाजल एंड। देखिए यहाँ से इंटेग्यूमेंट्स दैट मींस प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व का बनना स्टार्ट हो रहा है, इसके एंटीरियर पार्ट से सीधे बनते हुए नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट जो होता है एक छूट जाता है यहाँ पर, तो जहाँ से एक छोटा सा पोर बन रहा है, तो ये जो पोर होगा ये कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल एंड। तो ये माइक्रोपाइल एंड है। अब ये माइक्रोपाइल एंड देखिए मैंने कहा कि प्रत्येक जो ओव्यूल है चारों तरफ से एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व बनाता है। तो जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट्स बन रहा है तो उसे हम चलाजल एंड बोलेंगे। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स चारों तरफ से ये कवर्ड कर रहा है, कवर्ड करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा इस पर छूट जाएगा और यहाँ पे कोर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और इसे बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। और इसी माइक्रोपाइल एंड से पॉलन ट्यूब जो होती है वो अटैचमेंट हो जाएगी। तो पॉलन ट्यूब जो पॉलन ग्रेन से बनते हुए सीधे आएगी तो यहाँ से इसका अटैचमेंट हो जाएगा। फिर अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे। मैंने बताया कि प्रत्येक ओव्यूल जो होता है चारों तरफ से एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व को बना लेता है। तो जिस ओव्यूल में अगर दो इंटेग्यूमेंट्स होंगे तो उसे बोलेंगे बाइटेगमिक। अब बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स हैं जिसमें केवल एक प्रोटेक्टिव कोट है, दैट मीन्स एक इंटेग्यूमेंट होगा, तो उसे बोलेंगे यूनिटेगमिक। जिसमें कोई इंटेग्यूमेंट्स नहीं होगा, जिसमें कोई भी प्रोटेक्टिव कोट नहीं होगा उसे बोलेंगे आटेगमिक। तो आटेगमिक जिसमें एक भी प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व नहीं है उसे हम बोलेंगे आटेगमिक। तो आटेगमिक टाइप का जो ये इन्वॉल्व है वो लॉरेंथस एंड सैंडल्स में प्रेजेंट होगा, लॉरेंथस एंड सैंडल्स में। जो बाइटेगमिक इंटेग्यूमेंट्स है वो सनफ्लावर में है एंड मैरीगोल्ड में, दैट मीन्स सूरजमुखी में होगा। और जो गेंदा का फूल होता है उसमें बाइटेग्मिक इंटेगुमेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको इंटेगुमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इंटेगुमेंट्स क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंटेगुमेंट जो होता है, देखिए प्रत्येक ओव्यूल के चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव, एक या दो प्रोटेक्टिव, एक इन्वॉल्व के फॉर्म में काम करता है। तो ये जो है ये चारों तरफ से, देखिए जहाँ से इंटेगुमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा उसे हम चलाजल इंड कहेंगे। तो ये चारों तरफ से आने के बाद में यहाँ पर एक पोर में के फॉर्म में छूट जाता है, तो ये कहलाएगा माइक्रोपाइलर इंड। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये माइक्रोपाइलर इंड है। तो अभी मैंने बताया कि ये इंटेगुमेंट्स क्या है, ये बाई, तो ये चारों तरफ से इसमें दो इंटेगुमेंट्स बन रहे हैं। फ्रॉम आउटर साइड इंटेगुमेंट इज नोन एज आउटर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, एंड इनर साइड, इनर साइड, इनर इंटेगुमेंट्स, इनर साइड, इनर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट्स दो है, एक बाहर की तरफ से है, तो जो बाहर की तरफ है उसे आउटर इंटेगुमेंट बोलेंगे, जो अंदर से है उसे हम इनर इंटेगुमेंट्स कहते हैं। देखिए प्रत्येक ओव्यूल के अंदर, प्रत्येक ओव्यूल के अंदर पैरेंट काइमाटस सेल से बना हुआ, देखिए पैरेंट काइमाटस यानी प्रत्येक ओव्यूल का जो इंटरनली पार्ट है तो वो ये पूरा पैरेंट काइमाटस सेल से बना हुआ है। तो ये पूरा जो पैरेंट काइमाटस सेल से बनकर तैयार हो जाता है फ्लूइड जैसा, तो ये कहलाता है न्यूसीलस, न्यूसीलस, न्यूसीलस। ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल का जो इंटरनली पूरा पार्ट है तो ये पैरेंट काइमाटस सेल से बना हुआ है, तो जो पूरा पैरेंट काइमाटस सेल से बनकर तैयार होगा उसे हम न्यूसीलस कहते हैं। अब इस न्यूसीलस में देखिए, ये न्यूसीलस की स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। अब इन हाइपोडर्मल सेल्स में, अब हाइपोडर्मल सेल्स की जो मेगास्पोर, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी, तो मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, तो जब मियोसिस डिवीजन सब कंप्लीट हो जाएगा तो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा जिसे हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं। लेट अस लेबल द सैक लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। तो ये एम्ब्रायो सैक जो है ये मेगास्पोर्स के डेवलपमेंट से बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रायो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये किससे बना, मैंने बताया था कि प्रत्येक ओव्यूल के अंदर जो होता है पैरेंट काइमाटस सेल से बना हुआ ये पूरा पार्ट होता है जिसे हम न्यूसीलस कहते हैं। तो न्यूसीलस की जो हाइपोडर्मल सेल्स है तो उन सेल्स में अब डिवीजन होगा, उससे बनेगा एक मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है एक, देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें 8 सेल दिखाई दे रही हैं, 8 सेल। देखिए 3 जो है इसके एंटीरियर पार्ट में दिख रही है और 3 जो है इसके पोस्टीरियर पार्ट में है, और इसके सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो जो इसकी एंटीरियर पार्ट की जो सेल्स हैं तो इन सेल का नाम होगा एंटीपोडल सेल। तो ये जो तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं ये सीधे चलाजल इंड की तरफ जा रही हैं। और जो नीचे की तरफ की जो सेल्स हैं, देखिए नीचे की जो सेल्स हैं 2, देखिए एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। लेफ्ट और राइट साइड की जो सेल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, दैट वी कॉल सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल्स। देखिए और सिनर्जिड सेल्स के सेंटर में एक सेल है जिसे हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेल। तो सिनर्जिड सेल एंड एक्सेल, इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन होगा उसे बोलेंगे एग एपरेटस, एग एपरेटस। तो ये एग एपरेटस क्या है, देखिए सिनर्जिड सेल से एम्ब्रायो सैक के अंदर जो है पोस्टीरियर साइड में, दैट मीन्स माइक्रोपाइलर इंड की तरफ 3 सेल हैं। तो एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। तो इसमें लेफ्ट और राइट साइड की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो सिनर्जिड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल्स, और इसके सेंटर में जो है इसके सेंटर में जो सेल है उसे हम एग सेल कहेंगे। इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन है एग सेल और सिनर्जिड सेल्स, इन्हें हम बोलेंगे एग अपरेटस। और इसके सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई देखिए बीच सेंटर में है। अब उसके बाद में इसके चलाजल इनकी तरफ देख रहे हैं तो इसमें थ्री एंटीपोडल सेल्स हैं। लेटस लेबल हेयर थ्री एंटीपोडल सेल्स। नाउ रिपीट अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मैंने बताया कि प्रत्येक ओव्यूल जो होता है तो इसका फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है, तो प्रत्येक ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक होगा। जब ओव्यूल एक होगा तो उससे सीड का फॉर्मेशन एक बनेगा। एग्जाम्पल जैसे पैडी हो गया, पैडी था, वीट था, मैंगो था। जब ओव्यूल एक या एक से अधिक होंगे तो उसमें सीड के फॉर्मेशन भी अधिक होंगे। एग्जाम्पल वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड, तो इनमें सीड ज़्यादा होते हैं। अब अभी मैंने बताया कि प्रत्येक ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर, तो ओवेरियन जो इसकी कैविटी दैट मीन्स लॉक्यूल और प्लासेंटा के साथ में एक स्टॉक से एसोसिएट है। जहाँ से ये एसोसिएट करेगा उस पार्ट को बोलेंगे फ्यूनिकल। द एसोसिएशन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द प्लासेंटा इज नोन एज द हाइलम। कहने का मीन्स है कि जहाँ से ये स्टाक एसोसिएट कर रहा है फ्यूनिकल और ये प्लासेंटा के स्टाक से, उसे हम फ्यूनिकल बोलेंगे। फ्यूनिकल ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिकुलस। प्रत्येक ओव्यूल जो होता है अपने चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव, एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व से कवर्ड होता है और इन इन्वॉल्व को बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। जहाँ से इस इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा, देखिए जहाँ से इस इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा उस पार्ट को बोलेंगे चलाजल एंड। तो इंटेग्यूमेंट देखिए चारों तरफ से कवर्ड करता हुआ चला आता है और यहाँ पर देखिए जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पोर बना लेता है। तो यहाँ पर एक छोटा पोर बनेगा, ये पोर यहाँ से पॉलन ट्यूब जो होगी वो कंप्लीट इसके साथ में अटैचमेंट हो जाती है। अब जब अटैचमेंट होगी तो वो पार्ट कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये चारों तरफ से इंटेग्यूमेंट से कवर है। जो आउटर साइड में है उसे आउटर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, जो इनर साइड से है उसे इनर इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। प्रत्येक ओव्यूल के अंदर पेरेंट काइमेटस सेल से बना हुआ, देखिए प्रत्येक ओव्यूल के अंदर का जो पार्ट है वो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जिससे बनकर तैयार होती है उसे हम न्यूसीलस कहते हैं। अब इस न्यूसीलस की जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिन्हें हम हाइपोडर्मल सेल्स कहेंगे, तो हाइपोडर्मल सेल से बनेगा एक फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर्स के डिवीजन से बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स हैं तो उनके डिवीजन से कंप्लीट तैयार होता है एक एम्ब्रायो सैक जिसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है 8 सेल हैं। तो चलाजल इनकी तरफ 3 सेल्स हैं, ये जो ऊपर की साइड में सेल दिखा रही चलाजल की तरफ उनको एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और इसके माइक्रोपाइलर इनकी तरफ जो है इसमें देखिए 3 सेल्स हैं। तो देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड में सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल्स, और सेंटर में इसमें एग सेल्स हैं। इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन है यानी कि एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स, उसे हम एग अपरेटस कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में, मैंने बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ये ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन डेफिनेटली सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।